जयपुर से खबर है, राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक जारी, कई अहम मुद्दों पर मंथन। रिसर्च स्कॉलर, नई यूजीसी के रेगुलेशन के मुद्दे पर हंगामे के आसार, वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो देखिए, कई अहम मुद्दों पर मंथन लगातार जारी है, और क्योंकि मंथन हो रहा है ऐसे में हंगामा ना हो, हंगामे के आसार ना बने, ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां तैनात किया गया है। जयपुर से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक जारी है। जो मुद्दे हैं बैठक के दौरान जिन पर चर्चा की जा रही है, वो भी आपको एक बार फिर से बता देते हैं। रिसर्च स्कॉलर, नई यूजीसी के रेगुलेशन के मुद्दे पर हंगामे के आसार, और हंगामे के आसार इसलिए क्योंकि जब बैठक जारी है, मंथन हो रहा है, तो मंथन के दौरान कई पक्ष भी सामने निकल करके आ रहे होंगे जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तो ऐसे में कोई हंगामा ना हो जाए, इस वजह से भी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात किया गया है। आप ये तस्वीरें देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय से तस्वीरें, पुलिस बल वहां तैनात किया गया है, और लोग भी आपको बड़ी संख्या में नजर आ रहे होंगे। देखिए, ये युवक है विश्वविद्यालय के, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, साथ में उनके अलावा भी अन्य लोग वहां मौजूद है जो विश्वविद्यालय में काम के चलते और काम के सिलसिले में वहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में हंगामा ना हो, ऐसी स्थितियां ना पैदा हो, क्योंकि देखिए कई अहम मुद्दे हैं, चाहे रिसर्च स्कॉलर का मुद्दा हो या फिर यूजीसी के रेगुलेशन की बात हो, इन मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। मंथन के बाद किस तरह के फैसले लिए जाते हैं, किस तरह के बदलाव किए जाते हैं, उन पर भी नजर रहेगी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की, लेकिन ये जरूरी कि हंगामा वहां ना हो, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में आसपास के जिलों से युवक छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, और ये विश्वविद्यालय जहां लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है काम के चलते, काम के सिलसिले में, तो पुलिस की भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वहां किसी भी तरह का हंगामा ना हो, और हंगामे के चलते जो वहां छात्र छात्राएं जो पढ़ने के लिए वहां आए हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। देखिए, मुद्दे अपनी जगह हैं और पढ़ाई अपनी जगह, पढ़ाई में किसी भी तरह की खलल ना पड़े, ये भी जरूरी हो जाता है। और चलिए, इसी पर अब हमें अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी भारत दीक्षित, हमारे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी से लाइव जुड़ गए हैं। भारत, देखिए, कई अहम मुद्दों पर आज मंथन हो रहा है, रिसर्च स्कॉलर, नई यूजीसी के रेगुलेशन, फिलहाल इसको लेकर जानकारी चाहेंगे, और कौन से मुद्दे हैं जहां पर जिसको लेकर मंथन हो रहा है बैठक में? देखिए, बिल्कुल सिक्का, सिंडिकेट की बैठक है वो शुरू हो चुकी है, और आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि लगातार छात्र शक्ति का जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी है, और इस पूरे कार्यकाल का ये पैसा ऐसा मौका है जब इस तरह की तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी परिषद को छावनी यहाँ पर बनाकर रख दिया है। दरअसल कई तरह के सिंडिकेट की बैठक में एजेंडे हैं। अगर बात की जाए टीचरों से संबंधित, तो 2018 के जो नवीन रेगुलेशन है वो अभी तक लागू यहाँ पर नहीं किए हैं, तो शिक्षक ये चाहते हैं कि सिंडिकेट की बैठक में जो नवीन रेगुलेशन है उनको यहाँ पर लागू किया जाए। इसके साथ साथ ही जो भाभा हॉस्टल के छात्र हैं वो भी यहाँ पर धरने पर बैठे, उनकी मांग है कि वार्डन को यहाँ पर हटाया जाए। इसके साथ साथ एम्पिल के जो स्टूडेंट हैं वो भी आंदोलनरत है, क्योंकि उनकी मांग है कि एम्पिल से डायरेक्ट बिना एंट्रेंस के सीधा पीएचडी में यहाँ पर प्रवेश दिया जाए। तो आप तस्वीर देखते हैं कि एनएसआई के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पहुंची और उनसे बात कर लेते हैं कि क्या उनकी की मांगे हैं। अमरदीप, क्या कुछ मांगे हैं उनको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? पिछले चार दिनों से हम राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हैं। पेट परीक्षा के अंदर ये शिक्षा को भी अब दलाली का काम बनाने लगे हैं, ये 30% साक्षात्कार पेट एग्जाम के अंदर ले रहे हैं। दूसरी बात, पहले जो टीचर्स का अलग से पीएचडी का कोटा होता था वो सीटें भी अब छात्रों के बीच में मर्ज कर रहे हैं, और तीसरी 57 वर्ष का जो डायरेक्टर होता था पेट एग्जाम के लिए, उस 59 वर्ष का होता है उसको 57 वर्ष के क्राइटेरिया में कर रहे हैं। 3200 रुपए ये पेट एग्जाम के फॉर्म की जो फॉर्म भरता है उसकी फीस ले रहे हैं। किस तरीके से शिक्षा को एक दलाल का काम करने लगे हैं। ये चाहते हैं कि हमारी दलाली एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, हम इंटरव्यू में अच्छा पैसा कमाएं, हम हमारे बाहुबल यहां दिखाएं, हम हमारा शक्ति का प्रदर्शन करें, और उसी शक्ति प्रदर्शन करते हुए ये चाहते हैं कि इसमें इंटरव्यू हो और हम भाई भतीजावाद करके, भ्रष्टाचार करके हम यहां पर छात्रों को पीएचडी में एडमिशन ले। अच्छा, अगर आप मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो फिर क्या किया जाएगा?
उग्र प्रदर्शन करेंगे। पिछले कई दिनों से हम यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हैं। आज हमारी कल हमारे सिंडिकेट सदस्य से बातचीत हुई, अमीन कागजी साहब के पास में हम जाकर के आए, उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया है कि आज कुछ ना कुछ हमारे हित में फैसला आएगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम आगे और प्रदर्शन करेंगे। देखिए शिका, आपने सुना ये एनएसओआई के छात्र हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकें कि बड़ी तादाद में आज टीचर्स हैं, चाहे संविदा कर्मी की बात की जाए तो तमाम संविदा कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और सिंडिकेट की बैठक में मानदेय बढ़ाने को लेकर इनकी जो मांगे हैं वो यहाँ पर मांग की जा रही है, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, क्या कुछ आपकी मांगे हैं आज के सिंडिकेट? हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में कम से कम 900 कर्मचारी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं और उनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। कोई 15 साल से, कोई 20 साल से सर्विस करे जा रहे हैं मगर इनका कोई समाधान नहीं हुआ। 20% की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ोतरी करी थी अप्रैल से मगर वो भी आज तक इनको नहीं दिया गया। कई बार एप्लीकेशन दे दी मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इतना हरासमेंट हो रहा है इन लोगों का। ये घर का खर्चा नहीं चला सकते जो इनको वेतन मिल रहा है, तो इनको परमानेंट करने की हम लोग कह रहे हैं कि इनको परमानेंट किया जाए और इनकी वेतन वृद्धि की जाए, कुछ तो इनको लाभ मिले ताकि घर का खर्चा चल सके, इनके बच्चे ढंग से पढ़ सके, इनका खर्चा चल सके। और मैं विश्वविद्यालय में कई बार मांग कर चुका हूँ, कई बार गवर्नमेंट में भी कर चुके हैं कि इनको या तो स्थायी किया जाए या इनके कोई वेतन वृद्धि की जाए जिनके घर का खर्चा चला सके। इनके साथ शोषण हो रहा है, ये सब शोषण कितने सालों से काम कर रहे हैं? कम से कम कोई 15 साल से, कोई 20 साल से काम कर रहे हैं मगर कभी कोई सुनवाई नहीं की गई इन लोगों की। और हमने इनका कई बार प्रतिनिधित्व किया है मगर किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। और मैं इनके साथ हूँ और हमेशा साथ रहता हूँ मगर प्रशासन कोई हमारा साथ नहीं देता है और प्रशासन इनकी कभी नहीं सुनता है। और विश्वविद्यालय बिल्कुल भारत दौरान झड़प भी हुई, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और इसी को देखते हुए वहाँ पर एक भारी पुलिस जाब्ता पहले से ही तैनात किया गया था। लेकिन देखिए, ना सिर्फ एनएसयूआई के छात्र बल्कि जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर के जो प्रदर्शन है वो कर रहे थे और जुटना उनका शुरू हो गया था। 11 बजे का समय था सिंडिकेट की बैठक का, वो शुरू भी हो गई थी लेकिन 11 बजे से पहले ही लोगों का जुटना वहां पर शुरू हो गया था और स्थितियों को देखते हुए पुलिस का एक भारी जाब्ता वहां पर तैनात किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय को जिस तरह से जानकारी हमारे सहयोगी भारत हमें दे रहे थे कि पूरी तरह से पुलिस के गश्त के साथ में वहां पर उसे छावनी में तब्दील किया गया और फिर उसके बाद एनएसयूआई के छात्र पहुंचे और अपनी अपनी मांगों को लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन करने की बातें करने लगे। उसके बाद वो नारेबाजी करने लगे। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और पूरी जानकारी के साथ में ताजा तस्वीरों के साथ सहयोगी भारत जुड़ चुके हैं। भारत एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामा किया और कहीं ना कहीं सहयोग कर्मचारियों का और कुछ छात्रों का और मिला है उन्हें, क्या जानकारी फिलहाल ताजा? देखिए बिल्कुल, एक तरफ सिंडिकेट की बैठक जारी है और कुलपति सचिवालय के बाद बड़ी संख्या में जो शिक्षक के साथ साथ स्टूडेंट्स हैं, एबीपी के कार्यकर्ता हैं, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि एबीपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में हल्की झड़प यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस कर्मी और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उनके बीच में झड़प देखने को यहाँ पर मिल रही है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर बस स्टैंड यहाँ पर आप देख रही है किस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच यहाँ पर झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इससे पहले तो एबीपी के कार्यकर्ताओं के बीच में तस्वीर आप देख पा रहे हैं झड़प यहाँ पर होती हुई और दूसरी तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच यहाँ पर झड़प हुई। क्योंकि देखिए लगातार छात्रों की मांग यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र है वो उठा रहे थे। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो परिषद यहाँ पर मंत्री है वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं थोड़ी गहमा गहमी फिलहाल पुलिस प्रशासन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ पर देखी जा सकती है। दूसरी तरफ एनएसयूआई के छात्र भी पुलिस से यहाँ पर उलझे थे लेकिन लगातार समझाइश यहाँ पर की जा रही है और हालांकि अभी एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो शांत यहाँ पर हो गए लेकिन दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में काफी तीखी नोकझोंक और झड़प होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं, देखिए अब छात्र नीचे यहाँ पर बैठ चुके हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार समझाइश यहाँ पर छात्रों से कर रहा है कि वो अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर रखें लेकिन जो छात्र हैं वो थोड़े से उग्र होते हुए दिखाई दिए। बीच में हल्की सी झड़प पुलिस प्रशासन के अधिकारी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि अभी भी लगातार पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं
वो यहाँ पर उनसे समझाइश कर रहे हैं। देखिए सिंडिकेट की बैठक को लेकर आज राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो परिसर है वो पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। करीब 5 सालों के इंचार्ज आज सिंडिकेट की बैठक को लेकर यहाँ पर लगाए गए हैं और कम से कम 100 पुलिसकर्मियों का जाप्ता है वो यूनिवर्सिटी में तैनात किया गया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो सिंडिकेट की बैठक जो हो रही है, जो वर्तमान में जारी है, वो कितनी हाई वोल्टेज बैठक है। और उससे पहले लगातार छात्र शक्ति की बात की जाए, चाहे संविदा कर्मियों की बात की जाए, चाहे शिक्षकों की बात की जाए, तो हर एक कर्मचारी से लेकर शिक्षक तक यहाँ पर आंदोलनरत है, क्योंकि लगातार अपनी मांगे यहाँ पर मनवा रहे हैं। क्या वो बातें सामने आ पाई जो सुबह में जब एनएसवाई के छात्र ये नारेबाजी कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे, और उसके बाद एबीवीपी के छात्रों का क्या मांगे रही है या फिर क्या बातें पहुंचाने की कोशिश, क्यों अंदर दाखिल होना चाहते हैं, सिंडिकेट की बैठक तक कौन सा मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं? देखिए सिंडिकेट की एक बैठक तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए ऐसी बैठक होती है जो किसी भी चीज को लागू करने के लिए सर्वोच्च है। तो छात्र चाहते हैं कि उनका मैसेज सिंडिकेट की बैठक में यहाँ पर पहुंचाया जाए। और आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो गोपाल मीना है जो कि सिंडिकेट मेंबर है और विधायक है, वो फिलहाल सिंडिकेट की बैठक के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और लगातार देखिए एनएसवाई के छात्र हैं, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं, तमाम इन मांगों की यही मांग है कि जो लगातार कई दिनों से जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो होटल के छात्र हैं, चाहे एक्सल के जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो मांगे हैं उनको प्रमुखता से सिंडिकेट की बैठक में यहाँ पर रखा जाए और उनका निवारण है वो यहाँ पर किया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कुलपति सचिवालय के बाद बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं। जी भारत, ये बड़ी बैठक होती है, 11 बजे से शुरू हुई थी और लगभग 3-4 घंटे की बैठक रहती है क्योंकि कई मुद्दों पर इस पर चर्चा होती है, मंथन होता है, लेकिन अब बैठक के शुरू होने से पहले ही वहाँ पर हंगामा, अभी तक क्या हंगामा कम हुआ है या फिर बड़ा है और किस तरह से इसे नियंत्रण में किया जाएगा जब तक ये बैठक समाप्त होगी? देखिए आप फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक बार फिर से जो छात्र है वो यहाँ पर आक्रोशित यहाँ पर हो चुके हैं। देखिए करीब 3-4 घंटे की ये सिंडिकेट की बैठक है वो यहाँ पर चलने वाली है, जिसमें तमाम एजेंडे हैं। अगर बात की जाए रिसर्च एसोसिएट प्रोफेसरों का जो एजेंडा है वो इसमें है, 2018 जो रेगुलेशन यूजीसी की ओर से लागू किया गया था उसको राजस्थान यूनिवर्सिटी में लागू करना वो है। इसके साथ साथ एमफिल स्टूडेंटों का मुद्दा है कि एमफिल करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो पीएचडी में प्रवेश लेते हैं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कहा गया कि उनको भी एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा, तो इसके खिलाफ वो भी बिल्कुल भारत और तस्वीरें लगातार आप पहुंचा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एफोर्स इंडिया की जयपुर से सीधी तस्वीरें, क्योंकि सिंडिकेट की महत्वपूर्ण बैठक है और सिंडिकेट की बैठक के बारे में सभी जानते हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है, कई मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाती है और मंथन किया जाता है पूरे साल भर का। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, दो अलग अलग तस्वीरें, ये अंदर सिंडिकेट की बैठक और बाहर ये हंगामा, छात्रों का प्रदर्शन और छात्रों को सहयोग कहीं ना कहीं कर्मचारियों को, क्योंकि लंबे समय से कर्मचारी भी अपनी अपनी कुछ मांगों को लेकर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब आज मौका आया है सिंडिकेट की बैठक का और ये बड़ी प्रभावी बैठक मानी जाती है, बड़ी बैठक होती है, 4-5 घंटे का मंथन इस बैठक में होता है, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में ये हंगामा, दो अलग अलग तस्वीरें क्योंकि यहाँ पर एबीवीपी के छात्रों का भी प्रदर्शन रहा और सुबह में एनएसयूआई के छात्र भी अपनी कुछ मांगों को लेकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हुए नजर आए। पुलिस का जाब्ता वहाँ पर पहले से माकूल व्यवस्थाओं के तहत तैनात किया गया था। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया के एनएसयूआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच ये झड़प, और इस झड़प के साथ में लोग कोशिश कर रहे थे कि अपनी बातों को पहुंचाएं किसी न किसी तरह से, अगर खुद भी दाखिल नहीं हो पा रहे तो एटलीस्ट मैसेज वहां तक पहुंच जाए, सिंडिकेट के सदस्यों तक पहुंच जाए और फिर वो अपनी मांगों को उन तक बता पाने के लिए जो कोशिश है वो करते हुए नजर आए, भले ही अब उसके लिए पुलिस के साथ में थोड़ी सी गहमा गहमी का माहौल भी क्यों ना हुआ हो, हल्की सी झड़प भी यहाँ पर हुई, ये भी जानकारी सामने आई। लेकिन फिलहाल अंदर जहाँ पर कुलपति के कक्ष में सिंडिकेट की बैठक जारी है तो वहीं ये बाहर सभी का हंगामा, कर्मचारियों का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक
एक बात थी जो पहुंचाने की संभवतः कोशिश उन्होंने की होगी। तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और नारेबाजी करते हुए ये छात्र, ये लोग, ये कर्मचारी और एबीवीपी के लोग भी थे, एनएसयूआई के लोग भी थे। तो कुल मिलाकर के किसी एक छात्र हितों की बात को लेकर ही संभवतया हम ये मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की होगी। लेकिन पुलिस भी अपनी ड्यूटी करते हुए, क्योंकि किसी भी तरह की परिस्थिति या फिर अपरिहार्य सिचुएशन को देखते हुए पुलिस की भी कोशिश यही कि माहौल वहां पर खराब ना होने दिया जाए और सरह का माहौल ना बने जो कि हिंसा किसी भी सूरत में हो। देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग। ये तस्वीर सीधी भी है जयपुर से, और एक तस्वीर उस समय की भी जब ये प्रदर्शन हो रहा था। बैरिकेटिंग आपको नजर आ रही है, प्रॉपर तरीके से पुलिस अपनी ड्यूटी एक और निभा रही है। तो दूसरी ओर ये भी लोकतांत्रिक एक तरीके से रास्ता अपना करके अपनी बात पहुंचाने की कोशिश नारेबाजियों के माध्यम से कर रहे हैं। कर्मचारी इनमें हैं, छात्र संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, एबीवीपी के भी हैं, एनएसयूआई के लोग भी थे। लेकिन एनएसयूआई के लोगों को पुलिस ने फिर उसके बाद बातचीत कर उनके जो उनकी बातें हैं उनको ये आश्वस्त किया कि आपकी बातें अंदर तक पहुँचाई जाएगी और फिर उस पर आप आगे का फैसला खुद ले सकते हैं कि आगे आपको फिर क्या करना है। लेकिन फिलहाल शांति यहाँ पर बरकरार रखने की और एक गरिमा जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की या किसी भी विश्वविद्यालय की होनी चाहिए उसे बरकरार रखना, यूनिवर्सिटी का डेकोरम मेंटेन करना, ये सभी की जिम्मेदारी, और पुलिस भी यही सहयोग करते हुए वहाँ पर अपने जाब्ते के साथ। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की, जिसमें दूसरी तस्वीर आपको जब नजर आ रही है तो छात्र संगठन के नेता भी यहाँ पर और जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर थे, बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे। और हालांकि थोड़ी सी झड़प भी पुलिस के साथ इस दौरान हुई, लेकिन पुलिस चूंकि एक बड़ी संख्या में वहां पर थी और बैरिकेटिंग वहां पर सुबह से ही शुरू हो गई थी। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक है आज और चल रही है बैठक फिलहाल। इस बैठक के दौरान जहां अंदर बैठक हो रही है तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कशन हो रहा है, मंथन हो रहा है, तो वहीं यूनिवर्सिटी के बाहर कुलपति के कक्ष के बाहर की तस्वीरें जहाँ पर ये छात्रों का हंगामा नजर आया। छात्र भी थे, कर्मचारी भी थे, अपनी अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश, और जब बात नहीं पहुंचा पा रहे थे, जब बैरिकेड उन्हें रास्ते में नजर आए और एक दीवार नजर आई अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, जब उन्हें एक जरूरत लगी कि जब नहीं हो पा रहा है पॉसिबल ठीक तरीके से, तो फिर वो नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। पुलिस भी वहां पर अपनी ड्यूटी कर रही थी तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस दौरान हल्की झड़प भी दोनों के बीच में हुई। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो सिंडिकेट की बैठक को लेकर के अपनी बातें पहुंचाने और खासतौर पर देखिए यूजीसी के नए रेगुलेशंस को लेकर भी कुछ मुद्दे, यूजीसी के लिस्टेड कुछ रेगुलेशंस जिसपे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या फिर एमफिल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमीन कागजी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आप सुनिए। अगर इनका कोई विरोधाभास है सिंडिकेट के निर्णय में, वीसी ने कोई अगर गलत निर्णय लिए हैं तो सिंडिकेट के संज्ञान में आते हैं, हम उनको बदल देंगे। तो आज उम्मीद करें कि आप जब आज हम करेंगे कुछ ना कुछ, बिल्कुल आज देखिए चलती है मीटिंग तो देखिए। आपने अमीन कागजी जी को सुना जिन्होंने तो देखिए आप सुन रहे थे अमीन कागजी को, उन्होंने कहा कि आज सिंडिकेट की बैठक चल रही है और अगर लगता है कि छात्र हितों के कुछ मुद्दों का हनन हो रहा है तो यकीनन इस बैठक के बाद में वो सॉर्ट हो जाएगा, ये कोशिश उनकी भी रहेगी।